जय भोले शंकर की। दोस्तों अभी मैं अपने गेस्ट हाउस से त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ और सुबह के बजे हैं 6, तो व्लॉग में दिखाएंगे कि आपको त्र्यंबकेश्वर मंदिर दिखता कैसा है। ये देखो भाई, कई लोग दर्शन करके आ चुके हैं और वापस जा रहे हैं, तो सुबह के टाइम इतना क्राउड नहीं होता, तो इसलिए सुबह 5:30 बजे मंदिर खुल जाता है और इस टाइम को ही सबसे बेस्ट माना जाता है दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा कम होती है। ये देखो भाई, बोर्ड आ गया, ये मेन रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से हमने फूल ले लिए हैं ताकि मंदिर में चढ़ा सके, और ये दीदी हमें पैसे रिटर्न करते हैं जो बाकी बचते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे चाय वगैरह की दुकानें हैं और यहाँ से आप चाय वगैरह पी सकते हैं, और फूलों की दुकानें हैं, मतलब जो भी आपको चढ़ाना है या ड्रेसेस मिल जाती है रिलीजियस। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू है यहाँ पर, तो मतलब सुबह के टाइम भी काफ़ी भीड़ होती है, पर दिन में तो बहुत ज़्यादा होती है इससे। तो भाई यहाँ पर दो तरह की लाइन लगती है, ये देखो, ये डोनेशन वालों की लाइन है, पैसे देकर जो दर्शन करते हैं कि जल्दी दर्शन हो जाए, और यहाँ पर फ्री वाली लाइन है कि जो लोग फ्री में दर्शन करना चाहते हैं और स्ट्रगल करके दर्शन करते हैं। और ये देखो लोग जा रहे हैं, बट फ्री वाला प्रेफर इसलिए करेंगे क्योंकि सही मायने में दर्शन करना तो वही है। तो देखो भाई, मंदिर के पास ही बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप अपनी जूते चप्पल रख सकते हैं और यहाँ से प्रसाद लेके मंदिर के अंदर जा सकते हैं। ये देखो मंदिर के बाहर जो ईस्ट साइड का गेट है वो कुछ ऐसा दिखता है। और तो भाई, कैरी बैग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पोलोथीन बैग या कैरी बैग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो ये फूल सब हाथ में लेने पड़ेंगे। और देखो भाई, दर्शन के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। ये है भाई त्र्यंबकेश्वर मंदिर का अंदर का व्यू है भाई, अभी जितना पॉसिबल हो उसके का वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। फूल गिर गया भाई हमारा। दोस्तों ऐसे ऐसे ग्रिल बनाए हुए हैं यहाँ पर जिनको क्रॉस करके दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। ये देखो, ये देखो भाई, यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पर ऐसे स्लाइड्स भी लगी हुई हैं जहाँ पर मतलब आप दर्शन कर सकते हैं अंदर के मंदिर के। और ये देखो, ये है मेन मंदिर। देखो भाई, यहाँ पर इस तरह से एलईडी लगी हुई है बहुत सारी जहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 4 से 5 घंटे मतलब लाइन में खड़े रहना नॉर्मल सी बात है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठने की सीटें भी बनाई हुई है ताकि कोई अगर थक जाता है तो वो रास्ते में बैठ सके। ये देखो, ताकि यात्री कोई मतलब बुजुर्ग है या कोई थक जाए तो वो यहाँ पर बैठ सकता है आराम से। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, इसलिए लाइन को जो है रोक दिया गया है। ये देखो, सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर, इसलिए लाइन को रोक दिया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है ना मंदिर के अंदर, और वो पीछे वो LCD में देख रहे हो आप, लाइव दर्शन हो रहे हैं। देखो भाई, लाइन के बीच में यहाँ पर पानी पीने की सुविधा भी दी हुई है, और मतलब ये ग्रिल के साथ में बैनकेट भी लगी हुई है कई जगह। भाई इस मंदिर में पूरा VIP सिस्टम बना रखा है, देखो किसी को भी अगर मतलब बाथरूम टॉयलेट जाना है बीच में तो वो जा भी सकता है। ये देखो, ये सब बने हुए यहाँ पर, और यहाँ मतलब बैठने के लिए सीटें भी दे रखी हैं, लाइन के बीच में सीटें दे रखी हैं, दान पात्र हैं, LED वगैरह जहाँ से लाइव दर्शन कर सकते हैं, तो और मतलब ऊपर पूरे AC वगैरह लगे हुए हैं, लाइट वगैरह लगी हुई है, तो मतलब ये पूरा VIP मतलब बना रखा है मंदिर को पूरा। देखो भाई, यहाँ पर बीच बीच में पीने के पानी की सुविधा, और देखो मेडिकल फैसिलिटी भी है, और ये बाहर बायो टॉयलेट वगैरह बनाए हुए हैं,
और दान पात्र भी यहीं पे लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे फीडिंग रूम भी बने हुए हैं जहाँ पे माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। देखो दोस्तों, 3 से 4 घंटे मुझे यहाँ पर लाइन में लगे को हो चुके हैं, बट यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर दर्शन को कम से कम 20 से 25 मिनट तक रोक दिया गया है, और बाहर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और 20 से 25 मिनट के बाद जो है ये लाइन फिर से चालू होगी। देखो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब मेन मंदिर अभी आने वाला है कुछ देर में। तो ये है मेन मंदिर, अंदर फोटो वगैरह या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, 10,000 रुपये फाइन है। ये देखो भाई, अगर आप डिजिटल तरीके से दान देना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर भाई। ये है मेन गेट, ये है मेन गेट त्र्यंबकेश्वर मंदिर का, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों फाइनली दर्शन हो गए, तो ये जो आप देख रहे हो ये जो बैक साइड में है ये है मेन त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि माना जाता है कि इस शिवलिंग में जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन हो जाते हैं। तो ये जो बैक साइड में आप देख रहे हैं मंदिर, ये देखो भाई ये है मेन मंदिर जिसे गर्भगृह भी बोला जाता है। ये देख लो भाई 360 डिग्री व्यू ऑफ त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये देखो भाई कैसे बना हुआ है, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ये पूरा नक्काशी और ये अलग अलग तरह के चित्र बने हुए हैं। तो ये था भाई त्र्यंबकेश्वर मंदिर, ये एग्जिट गेट, और ये यहाँ पर दोस्तों कुंड भी है एक, ये मैं आपको दिखाना भूल गया, मतलब कुंभ के मेले में यहाँ पर स्नान किया जाता है और माना जाता है कि सारे पाप मिट जाते हैं। तो ये कुंड है बीच में ही मंदिर के। तो ये है भाई एग्जिट गेट, और यहाँ से मतलब के आप एग्जिट ले सकते हैं। यहाँ पर एक दो छोटे छोटे टेंपल और बनाए गए हैं, और यहाँ पर कोई सामान वगैरह मिल रहा है। तो ये था त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो हम अपने ब्लॉग को दोस्तों यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, थैंक यू, धन्यवाद। ये देखो भाई, वहाँ से मतलब एग्जिट करने के बाद रास्ते में जाता है उत्तर महाद्वार त्र्यंबकेश्वर मंदिर का, जो यहाँ पर मतलब मोस्टली डोनेशन वाली लाइन लगती है कि 200 रुपये दो और अपना मतलब दर्शन करो। यहाँ पर डोनेशन सिस्टम भी चलता है दोस्तों, और ये देखो कितनी भीड़ लगी हुई है मार्केट में।